हर हर महादेव दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है सरिता चौधरी और मैं रहती हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में और मेरा गांव का नाम है माठा। आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से और अपने गांव का पूरा प्यारा सा नज़ारा दिखाते हुए। देख सकते हो पूरे इलाका का नज़ारा। और आ रखी हूँ अभी खेत में, नाश्ता वगैरह बना दिया है और यहाँ पर आधा से ज़्यादा मैंने खोद दिया है। अभी बहुत खोदना बाकी रह रखा है, तो देख सकती हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा वहाँ पर खोया था, फिर धूप लग गई थी, तो उसके बाद मैं उधर से गई, उधर से लेके इधर 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 यहाँ पे तक कर दिया मैंने कंप्लीट। ये देख सकते हो, दिख रहे हैं साफ साफ। तो अब खुदाई करते हैं और थोड़ा आपको गांव का नज़ारा दिखाते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा गाँव और ये है पूरा इलाका। ये आता है धनपुर पट्टी में, ये है क्वार। तो अभी बज रही है सुबह की 8 और वहां पे आड़ू थे, मैंने कहा आड़ू खा लेती हूँ तब तक। नहीं है ना, ज्यादा नहीं है वो, क्योंकि पापा ने वहां पे ना एक घास का मतलब वेस्ट घास है उसको जला दिया था, तो वो आग भी पेड़ पे लग गई, देख सकते हैं। ये है तो इस साइड को रखे हैं कुछ कुछ, मेरा मन किया तो मैंने खा दिया, कल भी खाई थी। कुछ कुछ और रखा ना, अभी तो हो रहे हैं आड़ू, इस पर बहुत मीठे होते, पर लेकिन क्या करना, इस बार बिल्कुल भी नहीं हो रहे, थोड़ा बहुत कुछ कुछ। अभी खाओ, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा था। आप लोगों के मुंह से कहीं पानी तो नहीं आ रहा, इसको देखो। और तो अपने हमारे उत्तराखंड में आ जाओ, जो बाहर के उत्तराखंड में आ जाओ या जिनके गांव है वो गांव में आ जाओ। तो आधे से ज़्यादा खुदाई कर ली है मैंने, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा है, धूप भी बहुत लग रही है, तो अभी थोड़ा कर। आजकल बहुत है यार काम करने के। गर्मी के टाइम पे बहुत मस्ती है यहाँ, तो अब कुछ टाइम बाद काफली पक जाते हैं। हमारे वहाँ बहुत लेट पकता है ना, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत ठंड है। तो जो नीचे गांव के मतलब हमारे इलाके में जो नीचे नीचे वाले गांव हैं वहाँ पे पक गए हैं, लोगों ने खा भी लिए हैं, बेचारे स्टेटस डालते हैं और जलाते हैं हमको। मैंने कहा हमारा टाइम भी आने दो, गांव में फल पकेंगे तो हम भी करेंगे, उनको जलाएंगे तो हम भी खा रहे हैं सब स्टेटस भाई आजकल का फल के। बस एक चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बारिश आ जाए कोई बात नहीं, पर ओला बारिश नहीं होनी चाहिए। ओला बारिश की वजह से क्या होता है कि जो कापल हो भी रहे होंगे ना वो भी झड़ जाएंगे। कुछ कुछ लोगों ने तो खा भी लिए कापल, पर सब भैया लोग गए थे दूसरे गांव में कापल लेने के लिए इन गांव के, तो वो बोल रहे थे कि है ही नहीं, बस थोड़ा ला रखे थे, तो उन्होंने थोड़ा करने के लिए दिया था उन्होंने थोड़ा। क्या करना था यार, है नहीं कापल वहाँ, तो अब होंगे हमारे गाँव में तो खाएंगे या नहीं होंगे तो क्या बोल सकते हैं। मेरे हाथ में मैंने कितनी प्यारी लग ली भाई, खाई नादक लगा रखी।
जा रही हूँ मैं, 9 बजने वाली हैं तो घर जा रही हूँ मैं भी। तो गाय को अंदर बांधते हैं और नाश्ता वगैरह करके आते हैं थोड़ी देर में। ए लाडो, ए लाडो, गाँव है हमार लाडो का, नी गाँव है, गाँव है कितने का। अब मम्मी का पान दे लो वहाँ, रुक रुक रुक, ए भाई लाडो रानी, ओ भाई लाडो, ओ भाई लाडो। तो अभी बज रही हैं 10 और मैं आ रखी हूँ यहाँ पे गेहूँ काटने के लिए। और यहाँ पे हमारे बकरी की बच्ची है तो उसको भी ले जाते हैं, वो यहाँ पे चेक चेक करती है। अब मेरे साथ रहती है, कल मैंने यहाँ पे बहुत काम किया ना, मेरे को टाइम ही नहीं मिला फिर वीडियो बनाने का, तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब देखना है मेरे पीछे पीछे आएगी, ले ओए ओए छुपी, ओ ओ ओ। बारिश की वजह से यहाँ पे अच्छे से हो गई है छेमी वगैरह, देख सकते हैं आप। ये देखो दीदी ने लगा रखे हैं सारे, कविता दीदी ने, और कितने अच्छे हो रखे दी, आप भी देख लो, आपको भी खुशी मिलेगी कि मेरे लगाए हुए छेमी वगैरह। ओए होए होए, तू मत जा, तूने वहाँ बिगाड़ देना है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और एक ही एक मैंने खोल दिया तो फिर उसके बाद भागा दौड़ी करता है, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी ना वहीं वहीं आएगा। आ गया, कहाँ जा रही है तू? तो मैंने काट दिया और भारी भी लगा दी है, और इतनी धूप लग रही थी ना, अब थोड़ी देर पर इतनी धूप लग रही थी कि क्या बताना है। तो अभी बंद हो, थोड़ा छाया हो गई है, लेकिन अब चलते हैं घर, खाना वाना बनाते हैं, पापा भी आ गए बकरियों के साथ से। ये देख सकते हैं अभी पक रहे हैं गेहूँ, अभी इतना बड़ा खेत है, फिर ये भी है आधा से ज़्यादा। तो अभी दिन की बज रही हैं 1 और हमने खाना खा लिया है। तो वहाँ नीचे से आने के बाद मैंने खाना बनाया, फिर उसके बाद खाना वाना खा दिया है, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद शाम को देखेंगे क्या होता है, क्या करता है मौसम, क्योंकि धुंधला धुंधला लग रहा है मौसम, तो पता नहीं शाम तक बारिश आती है या नहीं आती है, पर फिर भी देखते हैं। फिर बाहर पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, गेहूँ रखे हुए हैं, जो कूट भी रखे हैं, जो वो ऐसे भी आले भी हैं और ऐसे वाले भी हैं। तो मतलब थोड़ी देर में जब बारिश का मौसम तो लग रहा है कि आएगी बारिश, तो पता नहीं, तो फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे तक खोद दिया है मैंने ये पूरा नीचे वाला खेत, ये नीचे वाला खेत भी, और यहाँ तक, और ये है कूड़ा कबाड़ा जो कि इतने निकल रहे हैं, बाप रे बहुत, क्योंकि वो है ना जौ के न्यार का, जो जौ का न्यार के जड़े होती है वो है वो, और इतना है अभी बाकी, यहाँ तक कंप्लीट। तो अब घर चलते हैं और थोड़ा घास काट के जाते हैं, आड़ू खा रही हूँ मैं, तो जितने हैं वो भी नहीं रखूँगी, खाती रहूँगी। तो चलते हैं, तो यहीं पे अपने वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।